हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 3 दोस्तों। तो पिछले ही एपिसोड में हमने ढूंढी थी सीक्रेट की ताकि हम अपना फर्स्ट जिम बैच जीत सकें, और साथ में हम मिले थे मे से पहली बार, और उसके बाद हम आए थे अगली सिटी की तरफ जब हमें मिला अपना सेकंड बैच, और हमने पकड़ा था एक पिकाचू जो मतलब गेम लोड होने की वजह से अब चला गया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का यह पार्ट कैसा लगा। सब इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस पिछली बार मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है टर्टविक। सबसे पहले आंसर दिया है बीबा सिंह ने, उसके बाद दिया है अलोक ने, फिर दिया है डीएक्स किंग ने, और उसके बाद दिया है एनिमल लवर ने, फिर दिया है युगदीप एफएफ। दोस्तों यही वो डी पोकेमोन हार्ड फैन था जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमोन हार्ड फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे। अगर आप लकी है तो मैं आपका टॉप 5 में नाम दूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि वो भी इन चीज में पार्टिसिपेट कर सके। तो क्वेश्चन कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए गाइस मैं अपने पोकेमोन दिखा देता हूँ, मेरे मैरोवैक और अब क्रोकोनो मेरे पास आ चुका क्योंकि ये विकसित हो चुके थे, और पर मेरे पास पिकाचू नहीं है यार अब, क्योंकि पिकाचू के टाइम गेम लोड हो गई थी और मुझे दोबारा से खेलना पड़ा, और मुझे पिकाचू इस बार नहीं शो हुआ था। बाकी हम अभी अननोन केव के अंदर, और मैंने इससे बैटल कर ली थी पहले ही, और बाकी हम अंदर जा रहे हैं। ओ भाई साहब एक पिकाचू, नहीं यार मैं इससे आगे नहीं गया था उसमें। ओ भाई लगता है पिकाचू वापस घूम फिर के मेरे पास ही वापस आ गया। चलो कोई बात नहीं, हमें मिल चुका है पिकाचू। ओ यार पोकेमोन आ गया ऑन एक्स, मुझे नहीं चाहिए। ओ क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या चाहिए था मुझे, रिपेल, हाँ रिपेल मिल गया, मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था मैं भूल गया था। हमें मिला है TM24 और इससे मैंने फाइट कर ली थी अभी, मतलब की है गेम लोड करके, मतलब बीच में सीन काट के। ये बाकी बर्ड्स मेरा रास्ता रोका था, अब ये रास्ता नहीं रोक रहे हैं। तो बाकी गाइस मुझे लगता है कि हमें इस टर्न से अब चलना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे मतलब अननोन केव में क्या आने वाला है, अब आगे कौन होगा। अरे ये तो ब्रॉक है ना, अरे हाँ ये तो ब्रॉक ही है। ओ बैटल करना है, चलो ठीक है ब्रॉक को हराया जाए। वाटर पल्स रोजेलिया, अरे भाई साहब बाइट करते हैं ना फिर। ओ भाई प्योर से पॉइजन हो गया, हम गए गए गए। एक ब्रॉक में रोजेलिया कब, अरे ब्रॉक के पास ये कब आए। मैरोवैक, ओ यार ग्राउल कर दिया मैंने। हेडबर्ट, फिर दोबारा हेडबर्ट, ओके इसको भी हेडबर्ट ही करते हैं ना। चलो मैरोवैक तुम अच्छे हो, अब चलते हैं यहाँ से और देखते हैं भाजन का रास्ता यही है। हाँ यही है, तो फिलहाल हम बाहर आ चुके हैं। अरे यार ये फिर से आ गया यहाँ पे, अब मुझे लगता है ये भी फाइट करना चाहता है क्योंकि ये फाइट कर सकता है मुझे लग तो रहा है। अच्छा ये हमें HM3 दे रहा है शायद, सर्फ अटैक मे बी, हाँ तो उसके लिए मुझे बैटल करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ। तो फाइनली हमने इसको हरा दिया और प्रॉमिस के तौर पर इसने हमें HM03 दिया, मतलब सर्फ अटैक जो अपने हम क्रोकोनो को सिखा सकते हैं। तो ठीक है ना, फिर चलते हैं अपने इस समय सिटीज़ के नाम बता दिए जहाँ पे हमें जिम बैटल जीत सकते हैं। तो गाइस हम चलते हैं ऊपर, वैसे मुझे जगह लगता तो नहीं कुछ होना चाहिए, बाकी हम यहाँ चलते हैं। ओ ये फाइट कर सकती है मे बी, हाँ फाइट कर रही है। तो गाइस जितना मैंने सोचा है और मैंने अपने पोकेमोन का सर्फ अटैक सिखाया है, और अब मैं क्रोकोनो को सर्फ अटैक करके, मुझे लगता है कि यहीं से कहीं रास्ता होगा जाने का, और हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके ऊपर, देखते हैं। ओ फाइट, तो गाइस मैंने ऊपर देख लिया है, ऊपर मतलब मुझे कुछ मिला नहीं है क्योंकि आगे मतलब ब्लॉक किया हुआ रास्ता है इन्होंने, तो लगता है इस जगह पर हम बाद में आएंगे, तो यहाँ से सर्फ करके देखते हैं। वैसे मैंने जगह देखा नहीं था, यहाँ पे सर्फ करके देख लेते हैं। ये सर्फ अटैक थोड़ा सा ब्लैक नहीं लग रहा है, अरे इस पोकेबॉल में क्या है, उस पोकेबॉल का सनस्टोन, ओके ये अननोन पोकेमोन ही आ रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। आगे फाइट हो सकती है मुझे लग रहा है, वो लड़की खड़ी है ना तो मैंने इससे फाइट नहीं की थी। रन, तो गाइस मैंने इसको हरा दिया हुआ है और इसके आगे वाले को भी हरा दिया, कोई तंग नहीं करेगा हमें। यहाँ से हम सर्फ अटैक कर सकते हैं,
तो यहाँ से किया सर्फ अटैक और यहाँ से जाएं कि यहाँ से जाए, कोई फाइट तो नहीं करेगा। तो गाइस हम यहाँ से रास्ता ले रहे हैं हम, और हमने आ चुके हैं इस रूट पे। ठीक है, ये जो भी रूट है मैंने नाम नहीं पढ़ा इसका, तो मैंने इसको भी हरा दिया हुआ है। और इसके आगे है क्या है इसके आगे, वो ये कौन है, ये गैरी है क्या, क्या स्वैग वाला चश्मा पहना है इसने भाई साहब, ये है कौन, ये ट्रेनर को हम जानते नहीं है पर मतलब स्वैग में आया है पूरा। हट, एटीट्यूड वाला बंदा था, हम बड़ी प्यार से बात कर रहे थे इससे। बाकी हम यहाँ से देखते हैं, ओ भाई यहाँ फाइट हो सकती है। ओके तो हमने इसको हरा दिया गाइस, अब हमें ये तंग नहीं करेंगे, मतलब ये आगे वाला अंकल नहीं तंग करेगा, ये तंग नहीं करेगा। ओ ये हराया नहीं था क्या मैंने इसे, नहीं हराया नहीं शायद। ओके तो हम सही जा रहे हैं। एक बार इन अंकल से बात तो की नहीं मैंने यार, करें एक बार बात, कर ही लेते हैं यार, क्या पता कुछ पता हो अंकल को। अच्छा हम पता है, फिर तो वही सर्फ अटैक की बात कर रहे हैं, अगर इस जगह को पार करने सर्फ अटैक चाहिए तो हमारे पास है। ये ऊपर देख रहा हूँ मैं, अरे ऊपर बाद में चलते हैं ना, बाकी मैं सिटी को थोड़ा सा देख लेता हूँ। सिटी की जानी पहचानी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, कहीं तो इस सिटी को मैंने देखा है। एक मिनट, क्या वापस वाली सिटी भी वापस आ गए हैं क्या, दो मिनट यार, यहीं पे तो जिगली पफ मिली थी मुझे। हाँ गाइस तो हम वापस उसी सिटी में आए हैं जिस सिटी में हम पहले आए थे, मतलब बहुत पहले आए थे। तो मुझे लग रहा है जब हम ऊपर की तरफ हमें ब्लॉक कर रखा था तो मतलब यहीं से रास्ता जा रहा था ऊपर, मतलब वो मतलब नहीं था जो माइटी हाइनेस वाला सीन था जिसमें बोला था कि माइटी हाइनेस वहाँ पे बहुत सारे हैं इसलिए आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि वहाँ पे माइटी हाइनेस हट गए होंगे, देखते हैं। हाँ ये हट चुका है, देखा मुझे लग ही रहा था माइटी हाइनेस वाला सीन है ये। एक मिनट, क्या फ़ोन आ रहा है हमें, तो वही बात करें कि तुमने एच एम सर्फ जीत लिया, बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस तो ये चाहिए, इसके लिए मैं कट अटैक और इन अंकल से पूछ लेते हैं। अरे इनके पास है कट अटैक, बढ़िया यार हम खरीद सकते हैं। एच एम वन कट अटैक, ओके यार कट अटैक कोई में से क्रोकोनो ना सीखे, मुझे सिखाना पड़ जाएगा भाई साहब। क्रोकोनो देख रहे हो गाइस, मैं क्रोकोनो को सिखा रहा हूँ ये गंदा सा अटैक कट, जो किसी काम का नहीं होता है। रेंज हटा देते ना, क्या चाहिए इसका भी, ये भी बेकार ही है। मुझे लगा सारे वर्ड टाइप अटैक हम इसको सिखाएंगे पर पासा उल्टा पड़ गया। अभी फ्लाई भी मिला ना, फ्लाई अटैक भी, ये भी नहीं मिला फ्लाई, मुझे लगा फ्लाई मिला है हमें, अगर फ्लाई मिला तो उसके लिए हमें फ्लाइंग टैंक पोकेमॉन चाहिए यार, उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा हमें। तो गाइस इन लोगों को मैंने हरा दिया, मुझे लग ही रहा था कि ये थोड़ा टांग अड़ा सकते हैं, तो इनको तो मैंने हरा दिया है। ज़रा ऊपर देख लेते हैं, ओ ये ऊपर जाने दे ही नहीं रहे। अबे टीम रॉकेट, ये तो अकेली आई है, अच्छा ये साथ में आया है, अब इनको क्या चाहिए। चलो आ जाओ फाइट पे, देखते हैं। तो गाइस मैंने इस लड़की को हरा दिया, अब लड़के की बारी है। तो ये भी हार चुका है, अब ये शायद ये दोनों गायब हो रहे हैं, तो ये फ्लैश क्यों आ रही स्क्रीन पे, वाह भागने के लिए भी फ्लैश। तो यहाँ पर अपने पोकेमॉन हील कर लेता हूँ यार, फाइट के टाइम बड़ा नुकसान हो गया मुझे ज़्यादा। तो ज़रा इस डोर को चेक करते हैं, अभी साइड हो जाओ ना प्लीज साइंटिस्ट, हाँ साइड हट गया। ओ डोर क्लोज आ रहा है। तो गाइस मैंने इससे फाइट किया, इसने मुझसे फाइट किया, इसने मुझे कुछ दिया है इसके बदले में, कोई बात नहीं। इसको लगता है कि शायद हम इसके प्रोफेसर को नहीं हरा सकते हैं, वो हम देख लेंगे। तो ज़रा इस रूट को देखते हैं, मुझे आप सब साइड पे जिम लग रही है, यहाँ से सर्फ अटैक करके थोड़ा जिम में जाकर देखते हैं। सर्फ अटैक करते हैं यार, सर्फ अटैक करने दो भाई। तो गाइस हमने सर्फ अटैक कर लिया है, और ओ भाई पोकेबॉल इसमें क्या होगा, अच्छा उसने किसी रैंडम बंदे ने ये फेंक दिया। ये इतनी गुड रॉड, ओके अगली है सुपर रॉड, पर वर्ल्ड टाइप पोकेमॉन हमारे पास है तो है, अब इसकी क्या जरूरत है हमें। फ्यूरो यहीं से पकड़ लेंगे कोई फ्लाइंग टाइप, ओ पिजियोटो मतलब पिजी, पिजियोटो बोल गया, पिजी था।
तो गाइस हम सीधा जिम लीडर के पास आए हैं और अभी हम यहाँ से फाइट शुरू करेंगे। बस हम एक बार में जीत जाएं इससे। ओ भाई दोबारा हेडबट करते हैं ना। ओ पैरालाइज में हटा सकते हैं ना हम। अब हटाएंगे एक बार यार, देखता हूँ। हटाना पड़ेगा पैरालाइज, अगर ऐसे ही रहा तो मुश्किल हो जाएगी। पैरालाइजर कहाँ गया, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ये रहा, ये रहा पैरालाइज हील। तो हमने अपने पोकेमॉन को ठीक कर दिया है, अब इसमें फ़ायदा होगा। ब्लूम बस ये ना कर दे। अबे स्लीप पाउडर तो उससे बेकार होता है, इसके लिए नीचे वाला करना होगा ना। बस ठीक है, अटैक मिस, हेडबट, ओके। नेक्स्ट साइथर, साइथर का तो पिकाची भी काफ़ी है ना वैसे। नहीं पिकाची रखो यार, लग तो रहा है पिकाची ले लेते हैं। चलो पिकाची को थंडर बोल्ट, हाँ थंडर बोल्ट करते हैं। ओ सुपर इफेक्टिव लिक्विड टाइम थंडर बोल्ट, और बस थोड़ी सी अच्छी लगेगी इसकी। बस अभी ये मक पड़ा है, मैंने देखा नहीं। ओ यार मक ताकतवर लग रहा है इसका। ओ एक बार में गया क्लच बॉम्ब, सर्फ अटैक करते हैं, थोड़ी पावर रह गई है बस। मैक्स पोशन, सर्फ करते हैं दोबारा, सर्फ अटैक में। बस जाने वाला जाने वाला। ओ भाई पॉइजन हो गए, मैरो बॉक्स सब तुम पे है, अब कर दो। ओ अटैक मिस, हेडबट। ओ भाई स्लग बूम अटैक कम लग रहा है, पर मर सकते हैं हम। ज़्यादा गेम सेव करनी पड़ेगी, मतलब लोड लोड कर दी मैंने। हाँ हेडबट सुपर इफेक्टिव गया। हमें फाइनली अपना थर्ड बैच मिल चुका है और HM02 फ्लाई। अरे मैंने फ्लाई की बात ही की और फ्लाई भी मिल गया हमें। तो गाइस मैं नीचे की तरफ जरा देख रहा था और हमने जिम बैच जीत लिया, पोकेमॉन हील्ड हो चुके हैं और मैंने पकड़ा है एक नॉक टावल। और कुछ फ्लैंडाइन पोकेमॉन तो चाहिए था एक, तो मैंने सोचा नोटल पकड़ते हैं ना, वैसे पीजी ऑटो ये टेलो वगैरह तो कॉमन हो जाएंगे ना, तो मैंने वो पकड़ लिया। और जब हम बाहर चलते हैं तो ज़रा जाएँ कि आगे ना जाएँ। तो गाइस ऐसा करते हैं, अगला पार्ट